किया है जो बिलावल जो रैली कटी हुई आहे उनके बारे में साईं खां पुछी था ऐं शाह महमूद कुरैशी उनके बारे में सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो नज़ारी साहब का है वो अपनी करप्शन, सिंध की करप्शन को बचाने के लिए अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला सिंध में क्योंकि उनकी सरकारी मशीनरी है, सरकारी मामला है, इतनी करप्शन की है, इतनी एमएलए करप्शन की है, तो वो अपना जाती इन्वेस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं और क्योंकि पंजाब के अंदर इनको इंशाल्लाह ताला वो रेली कोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि पंजाब की जो आवाम है, भाजपा आवाम है, उन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है। जैसा कि अभी इमरान खान साहब ने सिंध के लिए भी जैसे के पी के पंजाब में सेफ कार्ड दिया है, उसी तरह सिंध की आवाम को भी सेफ कार्ड का मौका दे दिया है, जो कि ना चाहते हुए भी 18वीं तरमीम जो वफा के बीच में आ रही थी उसकी लापरवाह ना करते हुए भी सिंध की आवाम के लिए सेफ कार्ड का मौका दे। सीनियर पीटीआई जो अगवान पूरा वीडियो बना ये शाह महमूद कुरैशी के जो इस्तेमाल होती के शुरू आए एक किसान जिलो नवाब शाह, आप बता सकते हैं कि ये आपको मार्च हो रही है बिलावल सरदारी की यहाँ से इसमें हकूम की मार्च हो रही है, इसमें उसमें क्या फर्क है? या का नाम उदैया का नाम कहाँ गया सरकारी की करप्शन के खात्मे के लिए निकाला है ताकि सिंध को आज़ाद किया जाए और जो बिलावल जरदारी साहब ने जो लाग मार्च करा है वो बात तो समझ में नहीं आती है। ये बोलता है कि मैं सिंध की आवाम की हकूक की खातिर में लड़ रहा हूँ पाकिस्तान की खातिर, मैं बिलावल बाबू से कहता हूँ बिलावल बाबू आप इस पाकिस्तानी कौम को या जो है सिंध की कौम को क्या उत्तर हकूक दिलाओगे? डेली शहीद रानी के कातिलों के गिरफ्तारी कलम उठा तो करो, अगर लाग मार्च करना है धरना देना है तो शहीद रानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए करो, हम भी बिलावल जरदारी के साथ हैं, अगर वो लाग मार्च निकालता धरना देता है शहीद